धन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ज्यादा हाय हाय से मन हटाकर मन भगवान में लगाना चाहिए। अकामा सर्व कामोबा, भगवान से कुछ नहीं निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रताय देहिना मंत्र भवाया अनुपलक्ष वर्तमने। भगवान ने सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की और सृष्टि का क्रम सुनाया। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से संसार किस तरह हुआ समझो। क्या हुआ, एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए थे ना जब दुर्योधन के यहां, तब भगवान विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाए थे। भगवान क्या खाते हैं, विदुरानी ने भगवान को क्या खिलाया, भाव में बेचारी ऐसी डूब गई कि वो ये भूल गई कि मैं क्या खिला रही हूं। भगवान तब खाते हैं जब खिलाने वाला डूब जाए कि मैं क्या खिला रहा हूं, तब भगवान वो सब खाते हैं जो आप खिलाना चाह रहे। भूल गई माता कि मैं छिलका खिला रही हूं कि फल, आपको पता रहता है ना कि हम क्या खिला रहे हैं, पर विदुरानी भूल गई। और भगवान को वो भक्त अच्छे लगते हैं जो प्रेम में सब कुछ भूल जाए, कुछ याद ना रखो, प्रेम में सब भूल जाए। मैया ओ मेरी माँ, जा रही हो मेरी माँ, तो बैठो चुपचाप मेरी माँ। मैया जा रही हो मेरी प्यारी माँ, बैठो शांति से, बैठो मेरी माँ, जल्दी बैठो दादाजी, बैठ जाओ, टाटा, बैठो बैठो बेटा, खड़े नहीं होते, जल्दी बैठो। भगवान क्या खाते हैं, भक्त जो खिलाए, जो मतलब जो खाने योग्य पदार्थ है वो। आप लोग भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, एक थाली पर दाल चावल रोटी निकाली, तुलसी पत्ता डाला, आपने रख दिया, बस हो गया, भोग लग गया, ऐसा ऐसे भोग नहीं लगाते। छोटे छोटे बच्चे को आप कैसा दाल चावल रख के क्या चले आते हो, अरे बड़े प्रेम से माँ गोद में बिठाती है बच्चे को, रोटी तोड़ कर उसे खवाती है, नहीं खवाए तो वो खा ही नहीं, बच्चा है। इसलिए भगवान को भोग कैसे लगाया जाए, थाली पे दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बनाया रखा जाए, तुलसी पत्ता डाला जाए और प्यार से भगवान से निवेदन किया जाए, हे प्रभु जो आपकी दासी से बना, जो आपके दास से बना, आपकी प्रसादी तैयार है, रोटी तोड़ो, दाल लगाओ, सब्जी लगाओ, भगवान को ऐसे भाव बनाओ कि इमेजिन करो, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान जी हमारे हाथ से खा रहे, भगवान के मुख तक ले जाओ और ऐसा इमेजिन करो, भाव बनाओ कि हम भगवान को खिला रहे हैं जैसे मैया यशोदा खवाती ना, ऐसे ऐसा भाव बनाइए कि भगवान खा रहे हैं रोटी तोड़ करके, जो भी पदार्थ है उसे उठा करके भगवान को भोग लगाइए। ऐसा भाव बने कि प्रभु खा रहे हैं रोटी, फिर चावल पूड़ी पराठा जो भी है लगे, कम से कम 5 बार तो खिलाओ। कितनी बार, 5 बार 5 कौर खवाओ और समर्पण कर दो। और भोग लगाने के बाद फिर भगवान को थोड़ा सा पानी, जैसे आप भोजन के बाद थोड़ा सा पानी पीते हो ना मुंह साफ करने के लिए, कि मुंह कुल्ला करने मुंह अच्छा रहेगा, तो पानी पिलाओ। जैसे फिर आप लोग भोजन करके कुल्ला करके क्या करते हैं, मुंह पहुंचते हैं, तो भगवान का भी मुंह पहुंचना चाहिए। ये सब भाव है, और भाव में ऐसी हो कि हम सच्ची भगवान का मुंह पहुंच रहे हैं, सच्ची भगवान को पानी पिला रहे हैं, सच्चू भोग लगा रहे हैं, भोग लगा के पानी पिला के मुंह पहुंचो
फिर वो जो भोजन बचा, प्रसादी बची, उसे दाल को दाल में मिलाओ, चावल को चावल में मिलाओ, रोटी को रोटी में मिलाओ, तो आपकी पूरी रसोई का भोजन प्रसाद बन गया। वो प्रसाद बच्चों को खिलाना चाहिए, इस तरह से खिलाओ। आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो शक्कर रख के जरा सी कटोरी में शक्कर का भोग, शक्कर का भोग, भगवान को भी डायबिटीज के मरीज बनाओगे। शक्कर कौन खवाता है भाई, शक्कर से किसका पेट भरता है। आलसी बहुत हैं आजकल, अपने लिए बनाएंगे घंट घंट के बढ़िया जबरदस्त स्वाद, और भगवान को शक्कर,